हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कार्बनेट्स कंपाउंड्स में, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे। इथेनॉल जैसे समझा हमने, CH3CH2OH उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला था, और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, यूजेस समझे, और उसका क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, जिससे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा ये यूज होता है। ठीक, तो इतना समझ लेने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कार्बन कंपाउंड जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है इथेनॉइक एसिड। ठीक, तो इथेनॉइक एसिड में जैसे हमने इथेनॉल पढ़ा था तो उसका कॉमन नेम हमने इथाइल अल्कोहल जाना था, वही सेम चीज इथेनॉइक एसिड का अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो होता है एसिडिक एसिड। मॉलिकुलर फॉर्मूला सोचो कि तुम्हारे पास है इथेनॉइक एसिड, यानी कि दो कार्बन होंगे। ठीक, तो तुम लोग क्या करोगे, सीधा दो कार्बन ऐसे अटैच कर दोगे क्योंकि इथ आया है, इथ मतलब टू कार्बन, एक टू दो टू कार्बन एटम्स। ठीक, देन तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मैंने बताया था डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक, ये हो गया। अब जितने हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास नहीं है, देखो इसके पास तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे, और मैं इस कार्बन की बात करूं तो दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तीसरा OH के साथ और चौथा कार्बन के साथ, यानी कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं अटैच करने की जरूरत है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो CH3COOH, तो ये तुम्हारा इथेनॉइक एसिड है। शॉर्ट में लिखूं तो ये चीज होगी CH3COH और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक, अब तुमने कॉमन नेम जान लिया, स्ट्रक्चर जान लिया, अब बात समझो कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो उसका तुम्हारी डेली लाइफ से जो है रिलेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए समझने में आसानी होती है या कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता है कि अगर वो चीज़ तुमने पढ़ी और तुम उसे अप्लाई कर पाओ। जैसे हमने इथेनॉल का समझा, तो इथेनॉल को हमने देखा कि उसका मेडिसिनल यूज़ है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं इथेनॉइक एसिड की बात करूं तो जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा आजकल एलिमेंट है जंक फूड में, वो विनेगर है। ठीक, तो विनेगर भी, सिरका बोलते हैं उसे हिंदी में, अब विनेगर के अंदर भी 5-8% इथेनॉइक एसिड होता है। 5-8% इथेनॉइक एसिड का मतलब है कि अगर मैं 100 ml वाटर ले लूं तो उसके अंदर, या 100 ml मैं विनेगर लेता हूं, ठीक, तो उसके अंदर 5-8 ml तुम्हारा इथेनॉइक एसिड होगा CH3COH, और बाकी का जो 95-92 ml है वो तुम्हारा होगा वाटर। तो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इथेनॉइक एसिड की जो क्वांटिटी है, देखो 5-8 ml है 95 ml वाटर में, यानी कि बहुत ही कम है कंपेरेटिवली। तो हम बहुत ही माइल्ड इथेनॉइक एसिड कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हायर का खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और साथ में जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन प्रोसेस में, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो इथेनॉइक एसिड का 5-8% ही हम विनेगर में कंज्यूम करते हैं। तो ये बात थी तुम्हारी रिलेट करने की, जो कि हम यूज़ करते हैं खाने में। ठीक, तो अब हम समझते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैंने दोबारा से बताया था कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हें समझनी है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसकी स्टेट की बात करते हैं कि कैसे एग्जिस्ट करता है ना। तो ये नॉर्मली लिक्विड मिलता है, लेकिन विंटर सीजन में, विंटर टाइम पे ये फ्रीज हो जाता है और आइस जैसे फ्लेक बना लेता है। तुमने ऑब्जर्व करा होगा, अगर मेरी आइस रेफ्रिजरेटर में रखी है और वो पूरी एक तरह से फ्रीज नहीं हुई, पूरी तरह से आइस फॉर्म नहीं हुई, तो एक लेयर पहले बनती है टॉप पार्ट पे, है ना। जब टॉप पार्ट पे वो लेयर बनेगी तो तुम उसे अलग कर सकते हो, ठीक, तो वो आइस फ्लेक्स उन्हें हम कहते हैं। तो उसी तरीके से जो इथेनॉइक एसिड है, अगर नेचर में प्रेजेंट है या फिर तुम्हारी लेबोरेटरी या किसी भी कंटेनर में रखा है और विंटर सीजन टाइम चल रहा है, तो ये फ्रीज होके आइस जैसे फ्लेक्स बना लेता है, जिसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये जो ग्लेशियल वर्ड है, ये ग्लेशियर वर्ड जो है ना, तुम्हारा ग्लेशियर वर्ड याद करो, जिसमें आइस वगैरह जो है
फ्रीज स्टेट में रहती हैं और वो फ्लोट करते रहते हैं। ग्लेशियर तुमने नाम सुना होगा, उसी नाम से ग्लेशियल एसिडिक आया है, एसिडिक एसिड आया है, लेकिन इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि ग्लेशियल एसिडिक एसिड अगर वर्ड तुमने बोला, अगर आगे केमिस्ट्री में और ऑप्ट करते हो, 11th क्लास में तुम्हारे पास केमिस्ट्री आती है, तो ग्लेशियल एसिडिक एसिड तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। तो जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं हो। थर्ड पॉइंट कि ये वीकर एसिड होता है HCl से। HCl क्या, हाइड्रोक्सीन क्लोराइड जो एसिड है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन ये जो इथेनोइक एसिड है ये कम, उससे वीक है एक तरह से एसिड, और लेकिन अल्कोहल से स्ट्रांग होता है। मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन मैंने दे रखा है, ठीक। तो 290 केल्विन है यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि तुम्हारा रूम टेम्परेचर तो कितना होता है 298 केल्विन, तो उससे भी ये कम आ रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले तुम्हें इसके यूज समझा देता हूँ, ताकि तुम उसको रिलेट कर पाओ कि कहाँ ये यूज हो रहा है। तो पहली बात कि विनेगर में यूज हो रहा है, जो विनेगर मेन कंपोनेंट होता है हमारे नूडल्स का, चाउमीन्स का, इन सब में, या फिर हम एज अ एडिटिव भी लेते हैं, जो हमारे पास कोई भी डिश है तो उसमें ऊपर से हम डिप कर देते हैं, वो बहुत ही माइल्ड होता है कंज्यूम करने के लिए। जैसे मैंने बोला 5-8% ऑफ इथेनॉइक, ठीक। इट इज़ वाइडली यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, है ना। अब तुमने ये भी सुना होगा कि सिरका को हम या इथेनॉइक एसिड को पिकल्स में भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक लेगा, अपने एनवायरनमेंट में उसे रखता है। थर्ड पॉइंट, ये एस्टर्स के सिंथेसिस में यूज होता है। अब तुम्हारे पास एक नया वर्ड आया है एस्टर, तो अभी हम एस्टर का फॉर्मूला या फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। ये भी एक टाइप का क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो ये चीज लिख लो, ये एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे तुम्हारा OH, RCOH, CHO और जो COH था, उसी तरीके से एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, है ना। तो जैसे अल्कोहल्स यूज होते हैं परफ्यूम्स वगैरह में, वैसे ही एस्टर्स का भी यूज बहुत होता है परफ्यूम्स में। इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे हमारे एप्पल है, तो उसके लिए कोई एस्टर होगा जिसकी स्मेल क्या होगी, फ्रूटी, ठीक। तो ये एस्टर, अभी इतना समझ लो, अभी एक रिएक्शन देखेंगे तो तुम्हें एस्टेरिफिकेशन समझ में आएगी, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात क्या, सोडियम से कैसे रिएक्ट करता है मेरा एसिडिक एसिड। याद करो तुमने इथेनॉल में था, मैंने जब रिएक्शन दिखाई थी तुम्हें, तो RCH3CH2OH था, तो हमें मिला था RCH3CH2O-Na+ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो रही है, जो इसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला है छटके, यहाँ पे O-Na+ आ गया और हाइड्रोजन गैस में इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बर्न कैसे करती है, बर्न्स विद पॉप साउंड। तो इसका हम एक तरह से इन्फ्रेंस या पता कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ठीक। तो एक पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ये थी, अब कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाँ, तो केमिकल रिएक्शंस में इथेनॉइक एसिड की 3-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक। 3-4 का मींस इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे पास एस्टेरिफिकेशन है और इसकी जो अपोजिट रिएक्शन या इसका जस्ट इनवर्स रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहली बात जो मैंने पहले लिखा है हेडिंग, रिएक्शन विद अ बेस। तो हम अब इतनी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, तो एक बार आइडिया लगाते हैं कि मेरे पास अगर इथेनॉइक एसिड है CH3COOH+NaOH, है ना, ये बेस होगा। याद करो एसिड बेस चैप्टर में तुमने पढ़ा है OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। अब प्रोडक्ट्स तुम खुद सोचो कि अगर सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रही थी तो CH3CO-Na+ आया था, तो यहाँ पर भी तो Na और OH है, इसको हमें पता है Na+ और OH- में ब्रेक होता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो निकलेगा वो होगा H2O, ठीक। तो यहाँ पे जो है वाटर निकलता है एज ए बाय प्रोडक्ट, जबकि सोडियम मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही थी। इसको बोलते हैं हम सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, क्योंकि ये इथेनॉइक एसिड से आया और इसमें सोडियम का एक तरह से एटम लगाया, तो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं इसे, है ना।
तो रिएक्शन जब बेस से होगी तो तुम्हें सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड मिलेगा, जो कि तुम्हें सोडियम से रिएक्शन करके मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाटर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है ना। अब मेन बात करते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स में इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करें तो मेन रिएक्शन एस्टरीफिकेशन होती है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज जो है बहुत ज़्यादा है। जितनी भी परफ्यूम्स तुम अलग जो कंपनीज यूज़ करते हो, जैसे डेनवर फॉग या फॉग चल रहा है, ये सारी जो सेंट्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, इनमें अल्कोहल्स और एस्टर का ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो ये एस्टर कंपाउंड है ना एस्टरीफिकेशन के लिए। अभी भूल जाओ एस्टरीफिकेशन, याद करो सिर्फ एस्टर दिख रहा है। तो एस्टर क्या चीज़ है, स्वीट फ्रूटी स्मेल लिक्विड, ठीक। तो इसकी एक तरह से बहुत अच्छी स्मेल आती है, जो तुम्हें स्मेल करोगे तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो जितनी भी परफ्यूम्स होते हैं उनमें एस्टरीफिकेशन यूज़ होती है, फ्रूट टाइप की स्मेल होती है। अब इसकी प्रिपरेशन अगर तुम्हें देखनी है, तुम अगर मैं यूज़ करता हूँ CH3COH, तो ये क्या है तुम्हारा इथेनॉइक एसिड, और इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं इथेनॉल के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, CH3COOC2H5, ठीक। अब ये C2H5 एक्चुअली में क्या है, CH3CH2 ही है, लिखने का तरीका अलग है, मैंने तुम्हें बताया था, है ना। साथ में क्या निकल सकता है, पानी निकलेगा, ठीक। तो ये जो चीज तुम्हारे पास बनी है ये क्या है, एस्टर, ठीक। इसमें एस्टर में तुम फंक्शनल ग्रुप अगर देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप तुम्हें ये दिख रहा होगा, ठीक। तो इसमें सी डबल बॉन्ड और कीटोन वाला है, लेकिन यहां पर OH ना होके या कोई कार्बन ना होके O के साथ जो दूसरा कोई C2H5 ग्रुप जुड़ा है, तो ये एस्टर भी एक तरह का क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और उसका तुम ऐसे लिखोगे फंक्शनल ग्रुप, ये चीज होती है इसकी, ठीक। ऐसे जैसे याद करो कीटोन में तुम ऐसे लिखते थे ना, तो यहाँ यहाँ कार्बन एटम्स रख सकते हैं, वैसे ही ये चीज तो रहेगी उसमें, सी डबल बॉन्ड हो और ओ, और यहाँ पे तुम कार्बन लगा दो और इधर साइड कार्बन लगा दो, तो सेम एस्टर फंक्शनल ग्रुप का ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक। अब एस्टर फ्रूट स्मेलिंग लिक्विड है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है परफ्यूम्स में, है ना। स्वीट स्मेलिंग है तो फील उनको सही आता है, या जो भी हमारे पास परफ्यूम्स हैं फॉग डेनवर, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। अब अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूँ, कि अगर एस्टर की रिएक्शन, अब यहाँ पे मैं एस्टर लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, CH3C OOC2H5, ठीक, ये तुम्हारे पास एस्टर है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराऊँ, ठीक, तो बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो देखो NaOH हमेशा ऐसे काम करता है जैसे वो सॉल्ट बनाता है, देखो सॉल्ट बना रहा है O नेगेटिव Na प्लस, तो ये दोबारा से जो तुम्हारा इथेनॉइक एसिड था उसको सॉल्ट में ब्रेक कर देगा, और जो तुम्हारा दूसरी इसका कंपोनेंट था CH3CH2OH उसको अल्कोहल में ब्रेक कर देगा, ठीक। तो इस तरीके की रिएक्शन को, इस देखो इस वाली रिएक्शन को तुम बोलोगे एस्टरीफिकेशन, जो मैंने ऊपर लिखी है सबसे पहले, ये एस्टरीफिकेशन है, क्योंकि एस्टर की तुमने यहाँ प्रिपरेशन करी। सेकंड वाली जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन। अब ये चीज जो है लिंक करेगी, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये रिएक्शन बताएगी कि लास्ट टॉपिक जो रिएक्शन का तुम पढ़ोगे, जो सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आजकल, तो एकदम एक नीड है कि जो कपड़े हैं उनको साफ करना है, या हमारी बॉडी में से जर्म्स खत्म करने हैं, या डर्ट हटाना है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है सपोनिफिकेशन है। सपोनिफिकेशन क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ सोप्स में यूज होती है। जितने भी तुम सोप्स देखते हो अपनी पूरी लाइफ में, जो नंबर वन लाइफ बॉय या लक्स वगैरह, सारे जो सोप है आज तुम बनाओगे, रिएक्शन तुम्हें बता रहा हूं मैं, कि अगर किसी एस्टर का तुम रिएक्शन कराओगे बेस के साथ तो तुम्हें मिलेगा CH3CO-Na+ और ये अल्कोहल, ठीक। अब तुम्हें पता है ये अल्कोहल से तो तुम सोप बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने बताया कि अल्कोहल का तुम अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज करते हो, तो इसका तो कोई काम नहीं है। अब जो प्रोडक्ट दूसरा है, ये चीज क्या है, यही तुम्हारा सोप होता है। लेकिन अब मैं कहूंगा, तुम सोचोगे कि यार इथेनॉइक एसिड से सोप बन रहा है तो तुमने तब क्यों नहीं बताया कि इथेनॉइक एसिड का यूज हम सोप में करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चेन है ये छोटी है,
अगर इस चेन को हम बड़ी कर दें, बिगर चेन हो जाती है, मतलब बहुत सारे CH3, CH2, CH2, CH2 लग जाए लाइन से, और लास्ट में ये वाला ग्रुप हो, तो वो मेरा सोप बनता है। अभी इसको सोप कहना गलत होगा, अभी ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है एस्टर की बेस के साथ, बेस कौन सा, NaOH और क्या KOH, कोई भी बेस हो सकता है, उसकी रिएक्शन अगर हम करें तो ये जो मिलता है वही मेरा सोप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सोप फॉर्मेशन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। दोबारा समझो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन वो होती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ सोप होती है, और इसमें हम एस्टर का ट्रीटमेंट किसी बेस के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaOH से, और वो ब्रेक हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग इथेनोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट में, और एल्कोहल यहाँ पर मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो पहली रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन था, तुमने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को यूज करके, है ना। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, यहाँ पर जो रिजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ना। मैंने ये डिस्कस करा था, यहाँ पे तुम्हारा वाटर निकलना है ना, तो एक तरह से डिहाइड्रेट हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेटिंग रिजेंट था। याद करो जब मैंने इथेनॉल में डिस्कस करा था, है ना, तो ये डिहाइड्रेटिंग रिजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये H2O निकाल देता है, एक तरह से H2O अलग कर देता है ना। तो तुम्हारी एस्टर में इथेनोइक एसिड इथेनॉल करके एस्टर बनाया, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखना, ठीक, और बाद में H2O निकला जो कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की वजह से हुआ। अब इस रिएक्शन को हम चाहें तो दोबारा से इसमें इथेनोइक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं। उसमें हम एस्टर का ट्रीटमेंट बेस के साथ करते हैं और हम ये जो चीज ऑब्टेन करते हैं वो सोप होता है, अभी लेटर पार्ट चैप्टर में देखेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि और क्या रिएक्शन हो सकती है मेरे इथेनॉइक। अब जो लास्ट टाइप की रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक, तो ये तुमने रिएक्शन मेटल्स में भी पढ़ी होगी। तो मेटल्स में याद करो, मैंने बताया था जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट से तो वो CO2 गैस एज अ रिलीज करते हैं, जो कि एक देखने वाली रिएक्शन या एक तरह से पता लगा सकते हैं। तो अगर मैं इथेनॉइक एसिड का ट्रीटमेंट कार्बोनेट से करता हूँ, ठीक, तो मेरे पास CH3CH कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट लेता हूँ मैं, Na2CO3, है ना। अब Na2CO3 क्यों आया, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कि Na की वैलेंसी +1, CO3 की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Na2CO3 आएगा, ठीक। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CO-Na++H2O+CO2, तो CO2 गैस निकल लिया और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहीं पे अगर मेरे को मिल जाए CH3COH+NaHCO3, अभी क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन आ गया ना, ये सिर्फ कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो हाइड्रोजन तुम देख सकते हो NaHCO3 आया, इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक, CO2 गैस इवॉल्व होगी और सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड बनेगा। तो ये लास्ट टाइप की रिएक्शन थी। अब अगर हम बात करें जो अभी हमने लास्ट रिएक्शन डिस्कस करी थी एस्टरिफिकेशन के बाद, या एस्टरिफिकेशन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन थी, जिसमें हम एक एस्टर को एल्कली से या किसी बेस से ट्रीटमेंट करके हम क्या फॉर्मेशन कर रहे थे, एल्कोहल्स का, और साथ में जो सोडियम सॉल्ट बन रहा था वो एक्चुअली में सोप था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हेडिंग डालो सोप डिटर्जेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स, ठीक, ये टॉपिक का नाम है। तो इसको समझो सोप और डिटर्जेंट में, तो सबसे पहले समझो सोप क्या होता है, ठीक। तो अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम / पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसका मतलब
कि सोप्स एक्चुअली में क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की। लॉन्ग चेन का मतलब कि अगर मेरे पास RCOO-Na+ है, ये सोडियम सॉल्ट था है ना, ये तुम्हारे पास सोडियम सॉल्ट अभी तक हमने पढ़ा है, इस R की जगह पे मैं CH3 लगा देता हूँ, तो तुमने ये पढ़ा है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पर वो भी एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये चीज, लेकिन मैंने यहाँ बोला लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन का मतलब क्या है कि यहाँ CH3 CH2 ऐसे ना आके एक R ग्रुप आएगा और R की जो लेंथ है वो होगी C17H31 या फिर C15H, यहाँ पे देखो S17 था तो 31 आया, तो ऐसी इसका तुम्हारा कितना आएगा 27 आएगा ठीक। तो इतनी लंबी चेन है, देखो कार्बन के 17 एटम्स या कार्बन के 17 एटम्स ऐसे अटैच्ड होंगे, अगर मैं एक तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठीक, ये 17 कार्बन चेन्स हो गए। अब यहाँ पे होगा तुम्हारा CO-Na+ ठीक। तो देखो ये इतनी लंबी जो चेन है एक तरह से स्नेक है, सांप की फॉर्मेशन की तरह तुम्हें दिख रहा है, और क्या बात समझ में आ रही है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट है, यहाँ पर तुम्हारे पास सोडियम भी हो सकता है या फिर हम यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो इसको हम सोप बोलते हैं ठीक। तो सोप, और अगर तुमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करा है तो सोप्स का तुम यूज करते हो कहाँ पर, अपने कपड़े धोने में, या फिर हम जो रोज डेली बाथिंग में यूज करते हैं या हाथ साफ करने में यूज करते हैं, वो एक्चुअली में ये सेम सोप है ठीक। तो अगर अब मैं, जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे पास जो भी कंपाउंड आते हैं हम उनका स्ट्रक्चर बताते हैं, तो इतनी लंबी चेन है, तो इतनी लंबी चेन में ये जो सिंगल चीज है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन होगा और लास्ट वाले कार्बन के साथ CH3 होगा, ऐसी सेम में बीच वाले में क्या होगा, आगे पीछे कार्बन से जुड़ा है, आगे कार्बन से, तो दो हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, तो CH2 होगा, ऐसी CH2 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 CH2, ऐसे लंबी चेन है, ये हर एक जो डॉट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम को, और इसमें दो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, और लास्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, वो सोडियम और पोटेशियम हो सकता है। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस सोप के पार्ट में एक तरह से एक पार्ट ये है जो कि पूरी चेन है, तुम इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या अलग नहीं बता सकते ठीक। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि सोप क्या है, लॉन्ग चेन है सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनके देखो R यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल C17H35 C15H31, तो तुम्हें देखने की बात यह है कि यहाँ कार्बन एटम्स के नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत सारी कार्बन की एक तरह से चेन है, और यहाँ पर CO-K+ अटैच्ड है ठीक। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है, तो तुम्हें बात क्या समझने की है कि जो छोटे कार्बन चेन्स है उसमें ये RCO-Na+ है ठीक, लेकिन जैसे तुमने बड़ा चेन करा ये तुम्हारे पास आ गया, तो ये तुम्हारे पास सोप है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसमें, वॉशिंग में, बाथिंग में, उन सब में। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर सोप का कि एक लंबी चेन होगी एल्केन की और लास्ट में उसके एंड पे एक तरह से स्नेक होता है, तो पूरी हेड टू टेल उसका स्ट्रक्चर होता है, और हेड पे क्या होता है आइज वगैरह, और उसका जो काटने के लिए या पॉइजन डालने के लिए जो चीज है वो सारा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एक तरह से ये स्नेक तुम्हारे पास दिख रहा है और ये पीछे की उसकी टेल है ठीक। तो ये टेल बोलते हैं इसे, हम इसे हेड बोलते हैं। अब समझने की बात क्या है कि सोप में दो पार्ट्स है, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। अब यहाँ पे नेगेटिव और प्लस है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं पोलर। पोलर का मींस क्या होता है, कोई डायरेक्शन बताए, उसी तरीके से देखो यहाँ नेगेटिव और प्लस आया है तो तुम्हें डायरेक्शन पता चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ डायरेक्शन नहीं पता चल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक स्नेक, तुम अगर देखो लाइफ में तो अगर उसके स्नेक में तुम्हारे मुंह दिख रहा है ठीक, तो तुम क्या बोलोगे, ये लेमन एग्जाम्पल है ऐसा कुछ होता नहीं इसमें, लेकिन मैं समझाने को बोल रहा हूँ कि ये उसका माउथ है, तो तुम बताओगे कि ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। अब मान लो ऐसा कोई स्नेक हो जिसमें ना हेड पता चल रही ना टेल, ऐसा है ठीक, तो तुम ना इसे टेल बोल सकते हो ना इसे टेल बोल सकते हो, ना इसे हेड बोल सकते हो ना इसे हेड बोल सकते हो। तो वही सेम चीज, अगर जो चीज तुम्हें हेड बता रही है
वो पोलर होगी। क्यों होगी पोलर? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सीधा एक तरह से पार्ट एज इट इज है। तो ये जो पार्ट है जो कि नॉन पोलर है, बात ध्यान से समझना, ये नॉन पोलर और पोलर पार्ट, अभी आगे इसका जब हम समझेंगे कि कैसे सोप काम करता है, कैसे तुम समझोगे कि तुम्हारा डर्ट जो है, गंदगी अगर तुम हाथ से निकालना चाहो तो कपड़े की नहीं निकलेगी, लेकिन जैसे ही तुमने डिटर्जेंट में डाला, जैसे ही तुमने सोप उस पर घिसा या सोप उस पर रगा, तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, गंदगी तुरंत निकल जाती है। पानी में जैसे तुमने उसमें डाला तो गंदगी उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। यानी कि जो सोप है उसका क्लींजिंग एक्शन कैसे वो काम कर रहा है, कैसे हमारी बॉडी से डर्ट रिमूव कर रहा है, वही सब समझना है। तो एक एक चीज ध्यान से समझते रहो। पहले स्ट्रक्चर समझाया है मैंने, लॉन्ग चेन होगी, फॉर एग्जांपल C17H35, ये जो पार्ट है वो नॉन पोलर होगा, ये वाला पार्ट पोलर होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब एक और वर्ड आया हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर तुमने सुने हो नाम कि किसी को हाइट का फोबिया होता है, फोबिया मतलब एक तरह से डर है ना, तो डर का मींस अगर कोई पर्सन ज्यादा हाइट पे है तो उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती, या उसे डर लगता है कि वो उसको उससे डर जाएगा, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको लिजर्ड से, छिपकली से डर लगता है, तो उनको वो लिजर्ड वाला या एनिमल्स का फोबिया है, इंसेक्टोफोबिया है। तो इसी तरीके से यहाँ केमिस्ट्री में हाइड्रोफोबिक का मींस क्या है, कि ये वाली जो चेन है वो चाहती नहीं कि उसके पास हाइड्रो आए। तो यहाँ पे हाइड्रो एक्चुअली में क्या है, वाटर। तो मतलब ये पार्ट चाहता नहीं है कि ये पानी के साथ रहे, या पानी के साथ एक तरह से इंट्रैक्शन करे, या पानी के साथ जुड़े, लेकिन ये वाला पार्ट ऑन द अदर हैंड क्या है, हाइड्रोफिलिक। तो ये चीज साथ में नोट करते रहो। पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या क्या हो सकते हैं जो तुमने बता दिया, ये मैंने एक लंबी सी चेन बता दी है ना, फिर डिटर्जेंट भी डिस्कस करेंगे, पहले अभी इसे समझो। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया। तो इतनी बात समझने के बाद अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम डिटर्जेंट के ऊपर, और फिर देखेंगे इसका क्लींजिंग एक्शन क्या होता है। हाँ, तो अभी सोप का हमने जैसे डिस्कशन करा, तो डिटर्जेंट का भी जो क्लींजिंग एक्शन है, डिटर्जेंट का भी हमें पता है काम कैसे होता है, कि जो डर्ट पार्टिकल्स है उनसे इंटरेक्ट करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन होगा, और उसकी वजह से जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे वाटर में, और जो क्लोथ्स हैं वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। अब डिटर्जेंट का मेनली यूज क्या होता है, उसका काम मेनली जो भी हमारे क्लोथ्स या फैब्रिक हैं उनसे डर्ट पार्टिकल्स अलग करना, क्योंकि सोप का तुम्हें पता है, सोप्स का हम दूसरा यूज भी करते हैं, हम खुद की बाथिंग में या हैंड वॉशिंग में, इन सब में ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट का मेनली काम होता है कि अगर मेरे फैब्रिक में डर्ट या ऑयल पार्टिकल्स हैं, मैंने क्या बोला, अगर ऑयल और डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने का मेन काम होता है। अगर तुमने कभी ऑब्जर्व करा हो, अगर मैं गंदे कपड़े एक बकेट में डालूं जिसमें वाटर था और उसमें डिटर्जेंट पहले से ही मैंने सॉल्युबल कर रखा है, तो जब हम उसमें कपड़े डालते हैं तो उसके अंदर जो डिटर्जेंट है उसमें दो पार्ट है। अभी हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी लेमेन से समझो क्या होगा, क्लींजिंग एक्शन होगा, जो डर्ट पार्टिकल्स या ऑयल पार्टिकल्स मेरे फैब्रिक में लगे थे वो एक तरह से वहां से हटके पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, और तुम ऑब्जर्व करोगे जो पानी ट्रांसपेरेंट था डिटर्जेंट को सॉल्युबल करने के बाद, या उसमें झाग बना था या छोटे छोटे बबल्स बने थे, अब वो एक तरह से गायब हो गए, और जो कलर है उसका या तो ब्लैक हो जाएगा या फिर हल्का ब्राउन कलर हो जाएगा, ये तुम ऑब्जर्व करते हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। तो ये भी लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट क्या है, अमोनियम या फिर सल्फोनेट। तो देखो, लॉन्ग चेन हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये बहुत लंबी चेन होगी, और यहां पर तुम्हारे पास है अमोनियम सॉल्ट। ठीक, अब ये अमोनियम सॉल्ट है तो यहां पे NH3+ है, इसमें साथ में कोई दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो नेगेटिव फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्लोराइड आयन हो सकता है, या कोई भी नेगेटिव आयन यहां जुड़ सकता है। तो बात समझने की ये है कि ये पोलर होता है या एक तरह से आयनिक,
और ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा? नॉन पोलर। ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमने ऑब्जर्व करा है कि वाटर और ऑयल दो चीजें हैं, तो तुमने समझा होगा कि ऑयल क्या होता है? नॉन पोलर। नाइन्थ क्लास में समझा होगा। और वाटर होता है पोलर। ठीक। तो अगर ऑयल या डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो नॉन पोलर होंगे। तो ये जो पार्ट है मेरा नॉन पोलर का, ये इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विद ऑयल / डर्ट पार्टिकल्स, और ये वाला पार्ट किससे करता है? वाटर से इंटरेक्ट करता है। ठीक। इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये पानी से डरता है और किसके साथ जाके लगता है? ऑयल या डर्ट पार्टिकल से। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ठीक। आप इतना तुम्हें समझ में आ रहा है? और सेम एक और स्ट्रक्चर देखो, मैंने बताया बनाया था किसका? सोप का। ठीक। तो सोप में मैंने यहाँ पे CO माइनस Na प्लस लगाया था। ठीक। अच्छा, एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड शो नहीं करा, तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा CO माइनस NH4 प्लस। ठीक। तो ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होगा। ठीक। तो यहाँ पे ये जो एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे जैसे Na प्लस जो काम कर रहा है वो यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट कर रहा है। अब ये अमोनियम सॉल्ट कंपेरेटिवली स्ट्रांग होता है Na प्लस से, तो हमने इसलिए देखा है कि जब हम वॉशिंग करते हैं तो पहले डिटर्जेंट में थोड़ी देर के लिए कपड़ों को डुबो देते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट तब तक जो भी डर्ट पार्टिकल्स मेजर वाले हैं उनको क्लीन कर देता है। देन बाद में हम इंडिविजुअली सब पे सोप रब या डिटर्जेंट रब करते हैं जो भी हम यूज करते हैं, जैसे सर्फ एक्सल हो गया और उसका सर्फ एक्सल डिटर्जेंट भी आता है ना। तो तुमने ये ऑब्जर्व करा होगा कि एक तुम्हारे पास सर्फ एक्सल का डिटर्जेंट बार होता है और एक डिटर्जेंट पाउडर होता है व्हाइट कलर का, उसमें छोटे छोटे कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ऑब्जर्व करा होगा। तो डिटर्जेंट पाउडर पहले डालते हैं, बाद में हम बार से उनको रबिंग करके निकालते हैं। तो बार में एक्चुअली ये चेन होती है और डिटर्जेंट में ये चेन होती है। अब देखो इसमें भी ये चेन है, तो ये चेन कौन सी होगी? हाइड्रोफोबिक। तो ये इंटरेक्ट करेगी किसके साथ? तुम्हारा जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, और ये इंटरेक्ट करेगी वाटर के साथ। ठीक। अब जब इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो अब जो लास्ट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, ठीक, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लो, पॉज कर लेना वीडियो। ठीक। तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्लींजिंग एक्शन कैसे करते हैं इस काम। डिटर्जेंट को हम सोपलेस सोप भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर Na प्लस नहीं होता, NH4 प्लस और सल्फोनेट आयंस होते हैं। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है कि सोप के अंदर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, जबकि डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं। जो बात बोल रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करते रहो। अब लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है। तो इसमें होता है मिसल फॉर्मेशन। कैसे? कि अगर मान लो ये पूरा बोर्ड मेरे पास एक क्लोथ फैब्रिक है, ठीक, और यहाँ पे एक तरह से क्या है, ऑयल पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, और यहाँ पर एक ये डर्ट पार्टिकल है। ठीक। तो अब मैंने इसको सबमर्ज कर दिया वाटर में, जिसमें डिटर्जेंट है या सोप है ना। तो इसमें तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो चेन है वो ऐसे होने वाली है। बस देखते जाओ मैं क्या बना रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब देखो ये एक तरह से तुम्हारा जो बीच में, मैंने देखो इसे ब्लैक कलर में करा है, ये तुम्हारा डर्ट पार्टिकल है। सेम ऐसे ही इसके आसपास भी होगा। अब ये जो पार्ट है इसकी टेल, ये जो टेल पार्ट है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है ना, नॉन पोलर है। तो ये एक तरह से इंटरेक्ट करेगी जो ये ऑयल या डर्ट पार्टिकल है, ऑयल / डर्ट पार्टिकल, और जो इसका हेड है HEAD हेड, ये क्या है मेरा? यहाँ पर ये हो सकता है CO माइनस Na प्लस, या CO माइनस डिटर्जेंट है तो NH4 प्लस। ठीक। तो हेड में तुम्हारे पास क्या है, आयनिक पार्ट या पोलर पार्ट?
ठीक, ये पार्ट वाटर से रिएक्शन कर रहा है या वाटर से इंटरेक्ट कर रहा है, ये पार्ट डर्ट से कर रहा है, ठीक है। तो वो तुम्हें सारे दिख गया होगा कि इसके सारे जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, सारे जो पार्टिकल्स हैं सोप डिटर्जेंट के, वो आपस में एक तरह से सर्कल बना लिया इन्होंने और इस ऑयल पार्टिकल को अपने साथ डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब तुमने डिटर्जेंट डाला तो डिटर्जेंट ऐसे था सारे, ठीक, सारे डिटर्जेंट ऐसे थे, लेकिन जैसे तुमने उसे पानी में डाला तो वो घूम रहे हैं। अब घूमने पे वो इंटरेक्ट किससे करेंगे, डर्ट पार्टिकल से और वाटर से। तो वाटर से तो इसने इंटरेक्शन करा हेड ने, और इसने इंटरेक्शन करा किससे, डर्ट या ऑयल पार्टिकल से, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर, और ये पार्ट क्या था, पोलर। तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो ये इतनी बात थी। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर डिटर्जेंट का भी होगा, है ना। अब इसका फॉर्मेशन कैसे समझोगे, कैसे समझो, मैं एक एक बात समझा रहा हूं, यही बात तुम्हें आनी है और यही सब तुम्हें लिख के भी आना है, डायग्राम बनाना है, ठीक। तो अगर मेरे पास मान लो ये फैब्रिक था, इस पर डर्ट पार्टिकल्स थे, तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है ना, सोप का मान लो ये तुमने टेढ़े बनाए थे ऐसे मान लो, तो यहां पर ये डिटर्जेंट वगैरह आ रहे हैं। अब देखो ये जो पार्ट है पोलर है और मेरा जो ऑयल या वो है नॉन पोलर। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये आसपास ऐसे प्रेजेंट थे बहुत सारे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल, अब ये आप खुद को ऐसे अलाइन कर लेंगे, सारे के सारे खुद को ऐसे लगा लेंगे कि नॉन पोलर पार्ट इसकी तरफ रख लेंगे, है ना, ऐसे कर लेंगे। अब जैसे जैसे ये आपस पास हो जाएंगे, दूसरा एक और स्ट्रक्चर देखो, अब ये सारे ऐसे जुड़ चुके होंगे। जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो है पोलर पार्ट, जो कि तुम्हारे CO माइनस Na प्लस होगा, और जो मैं टेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो टेल लगा रखी है पीछे की, ये वो क्या है, तुम्हारी चेन है हाइड्रोफोबिक, ठीक। अब ये एक तरह से इसको ऊपर उठाएंगे, देखो ये ऊपर उठता जा रहा है ना, पहले कम था, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, अब ये यहां पे आ जाएगा और इससे इंटरेक्शन कर रहे होंगे ये सारे। तो जो ये लास्ट में मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लो, ये एक्चुअली में यही है स्ट्रक्चर, कि पहले ये जो है स्टिक कर रखा था फैब्रिक से, धीरे धीरे इसने क्या करा, इसको ऊपर निकाला, और लास्ट में जब ये अलग हुआ तो ये एक तरह से पूरी तरीके से घिर चुका है डर्ट पार्टिकल सोप वाले पार्टिकल से। और अब जब मैं वॉश करूंगा तो डिटर्जेंट साथ में डर्ट वगैरह लेके चला जाएगा और मेरे क्लोथ्स पूरे क्लीन हो जाएंगे। ये पूरा क्लींजिंग एक्शन है सोप का, इसी को हम मिसल फॉर्मेशन बोलते हैं। मिसल क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास चेन है इसको मिसल बोलते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो हमने NCERT के तो मेनली जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थे या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना था वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और जो हमने आगे चीज़ें पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन या क्या नई चीज़ें हो सकती हैं वो हम क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ में NCERT के अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, CBSE में जो पूछे गए हैं 10th क्लास में या बोर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही था, तब तक क्वेश्चन लेक्चर आने से पहले सारी वीडियोस एक बार देख लेना, ताकि जब मैं क्वेश्चन डालूं तो तुम उसका आंसर तुम्हारे पास हो और फिर तुम्हें एक तरह से इंटरेक्शन करने में अच्छा लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है। मेरे आंसर बताने से पहले तुम्हारे पास उसका आंसर होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।